हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी को लेकर हमीरपुर पहुंचे प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार भी विफल हुए नजर आए और स्टाफ की कमी को नकारते हुए उल्टा मीडिया को ही गलत खबर लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि कॉलेज को अभी शुरू हुए कुछ ही महीने हुए हैं और 102 स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं और मीडिया को भी खबर लिखने से पहले उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी। आपकी जानकारी के लिए, कॉलेज को शुरू हुए मात्र कुछ महीने हुए हैं, आज आपकी जानकारी के लिए 102 जो डॉक्टर्स भी मैं कह सकता हूं कि स्पेशलिस्ट यहां पर काम कर रहे हैं। अखबारों में अन्यथा कई बार खबरें छपती हैं कि यहां से डॉक्टर छोड़ करके चले गए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी खबरें छापने से पहले, चाहे किसी भी विभाग की खबर है, वहां के विभागाध्यक्ष से जरूर सूचना लिया करें ताकि समाज में ऐसी सनसनी ना फैल जाए। अच्छा करने के बावजूद भी लोगों का मत और मन ऐसा ना बन जाए कि विभाग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। विभाग बात करते नहीं हैं, फोन उठाते नहीं हैं कई बार। ऐसा नहीं है, हमारे विभागाध्यक्ष किसी भी विभाग के हैं, वो कंपिटेंट हैं, योग्य हैं और विभाग की जानकारियों को रखते हैं। तो अगर वो नहीं उठाते हैं तो वहां जा करके उनका वर्जन ले लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ। चलो कोई बात नहीं, ऐसा हुआ होगा तो मुझे जानकारी नहीं। यहाँ के प्रिंसिपल ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उनकी टीम के कारण ही आज कॉलेज यहाँ खड़ा हुआ है। हमीरपुर के हमीर भवन में अनुसूचित जाति उप योजना विकास कार्य की समीक्षा बैठक लेने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने अधिकारियों को सरकारी स्कीमों का लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा, एसपी रमन कुमार मीणा, प्रदेश बीजेपी सचिव विजय पाल सोहारू के अलावा अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि अनुसूचित जाति उप योजना विकास कार्य के 27 बिंदुओं पर चर्चा की गई और स्कीमों के पेश आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए भी चर्चा की गई ताकि इनका लाभ लोगों को मिल सके। और उस व्यवस्था में सरकार के अलग अलग योजनाएं रहती हैं, सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग SCCP शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान का जो बजट सरकार के द्वारा अलग अलग जिलों में भेजा जाता है और आज लगभग 27 जो हेड्स हैं, चाहे उसमें एग्रीकल्चर है, IPH है, चाहे उसमें आयुर्वेदा है, इत्यादि इत्यादि, फॉरेस्ट है, कितना पैसा आया और कितना पैसा उस पर खर्च हुआ, आज की बैठक का यही उद्देश्य था। और रिव्यू का मतलब यही है कि कुछ कमियां हैं तो हम उनको दूर करें और जो सरकार के स्तर पर दूर करनी होती है वो ध्यान में आती हैं। यही आज की इस मीटिंग का मुख्य धेरा है। वहीं हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रिक्त पड़े पदों पर स्वास्थ्य मंत्री ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि जल्द ही रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बैच वाइज व कमीशन के आधार से पदों को भरा जाएगा। दूसरा, बिल्डिंग का काम NVCC को दे दिया गया है, उसका काम शुरू होने वाला है। तीसरा, जो आप पैरामेडिकल स्टाफ की बात कर रहे हैं, एक निरंतर प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां होती हैं। 2000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश जो पब्लिक कमीशन हमीरपुर है वहां के माध्यम से प्रक्रिया शुरू हो गई है और चंद महीनों में वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 732 नर्सिस की अपॉइंटमेंट हमीरपुर कमीशन के द्वारा और बैच वाइज ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुरुआत हो गई है और शुरुआत अच्छी हुई है, इसलिए कॉलेज भी अच्छा चलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ।